मंत्री जी ये बताइए कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सब लगा लिए। एक मिनट रुक जी, सबका हो गया भैया, एक के बारे में बोलेंगे। एक के बारे में बोलिए, क्या बातें हुई? हाँ पूछिए। केंद्रीय मंत्री से क्या बातें हुई आपकी? आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया साहब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो है COVID-19 के विश्वव्यापी नए चक्र के बारे में पूरी दुनिया चिंतित है, हम भी चिंतित हैं, और उसको लेकर मनसुख मांडविया साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की थी। हमने उसमें उनसे मांग किया कि राज्य में वैक्सीन की हमारे पास कमी है, हमको वैक्सीन उपलब्ध कराया जाए, और हमने उनको ये भी जानकारी दिया है कि 26 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम लोग शाम 4 बजे कोविड को लेकर एक हाई प्रोफाइल मीटिंग आयोजित कर रहे हैं, ताकि राज्य में कोविड का जो संक्रमण की जो चिंता है, वो चिंता जो है हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा है और हम लोग गंभीर हैं, इसलिए हाई प्रोफाइल मीटिंग भी होगी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और दूसरा जो है 27 तारीख को मॉक ड्रिल के माध्यम से भी हम लोग अपने जितने भी हमारे PSA प्लांट हैं, जितना भी हमने पूर्व में कोविड से लड़ने के उपक्रम तैयार किए हैं, उनकी भी समीक्षा होगी। और निश्चित तौर पर और इसी के साथ साथ एक हमने 110 करोड़ रुपया हमारा आपदा मोचन निधि से हमारे स्वास्थ्य के लिए 31 मार्च को लिया था, लेकिन केंद्र की सरकार गृह मंत्रालय इसमें स्वीकृति नहीं दे रहा है, तो केवल स्वीकृति का मामला है। तो हमने स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रार्थना किया कि आप कम से कम ये आपदा का समय का ये मामला है, इसमें स्वीकृति दिलवाई जाए, ताकि जो है हम हमारी व्यवस्था को आगे अग्रतर ढंग से चला सकें। तो कई एक विषय में बातचीत हुआ है और वैक्सीन वगैरह के लिए बातचीत हुआ है, और हम लोग केंद्र की सरकार के जो निर्देश हैं उसका अक्सर पालन करेंगे, और कोविड को लड़ने में भारत सरकार के साथ राज्य सरकार खड़ी रहेगी। मुख्यमंत्री के साथ कहाँ बैठक होगी? मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठक होगी। अच्छा, मुझे मंत्री जी सरकार के ये हो रहे हैं, कितने सफल रहे आप? अभी सफलता असफलता तो आप तय करिए, क्योंकि भाजपा जो है मुद्दा विहीन हो गई है। भाजपा जब मुद्दा विहीन हो गई है तो आपको समझ में आना चाहिए कि सब काम तो हम लोग कर ही रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम से लेकर पुलिस के जो है क्षतिपूर्ति अवकाश से लेकर किसानों से लेकर स्वास्थ्य में जो है 3 लाख दिया जाता था उसको 10 लाख तक बढ़ा दिया है, तो सब विषय में तो हम लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए भाजपा का मुद्दा नहीं है, और मुद्दा नहीं है इसलिए वो सदन को छोड़ के भाग जा रहे हैं। मंत्री जी भाजपा कहाँ से आ गया? सवाल तो आपकी सरकार पता सीधे सीधे। अरे तो इसीलिए तो हम नहीं बोले हैं, क्या चाहते हैं क्या आपके लिए बोल रहे हैं? 3 साल पूरा होने पर 10 में कितना नंबर सरकार को देंगे? 10 में नंबर बताइए। 10 में 10 नंबर देंगे? 11 नंबर का है प्रावधान, 11 नंबर का है प्रावधान। मोदी जी कब कह दे रहे हैं? में पैदा हुए, रिम्स में पढ़े और बुढ़ा गए, वो कह रहे हैं कि अगर जीनोमिक सीक्वेंसिंग मशीन काम नहीं कर रहा है, तो मैं डॉक्टर जी से इस्तीफा ले लूंगा, आरटीपीसीआर का चेक करने का मीटिंग। अच्छा सुनिए, जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन जो है वो कब काम करती है आप जरा बताइए? जब पहले, अरे भाई वो बोले छोड़िए ना, पहले तकनीकी चीज़ तो समझिए ना। जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन तब काम करती है जब कोई पेशेंट पॉजिटिव होता है और उसका सिटी लेवल 25 से नीचे होता है, उसका सैंपल को कलेक्ट करके जीनोम सीक्वेंसिंग में डाला जाता है ये पता करने के लिए कि ये वेरिएंट किस नेचर का है। तो अभी उनको एक भी, जब हमारे पास कोई एक भी मरीज है नहीं, तो वो क्या जानते हैं, वो क्या उसके तकनीकी जानकार हैं? अरे भुवनेश्वर तो भेजेंगे नहीं, जब 6 लाख रुपया लगेगा, जब 6 लाख रुपया लगेगा एक बार में, उसमें जो है 96 सैंपल को हमको टेस्ट करना है और हमारे पास एक भी सैंपल नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? एक बार में 6 लाख रुपया उसमें खर्च करेंगे? अब उनको क्या मालूम है, उनको कुछ बुझा रहा है जी।